दार्चुला नेपाल में चुनावी सरगर्मी तेज। नेपाल के दार्चुला पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। बता दें कि आगामी 30 नवंबर को नेपाल में चुनाव होने हैं, जिसके बाद से नेपाल में चुनावी रैली शुरू हो गई है, जिसके बाद से चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दार्चुला नेपाल पहुंचे। केपी शर्मा ओली के द्वारा नेपाल में जनता को संबोधित करते हुए फिर भारत के विरुद्ध कड़वे बोल बोले गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए काला पानी लिपिया धुरा को फिर से नेपाल का बताया। इसी चुनावी रैली के दौरान उनके समर्थकों द्वारा नेपाल से भारत में पत्थरबाजी भी की गई। कहा कि जिस तरह भारत की सीमा के अंतिम छोर तक सड़क काटा है, उसी तरह हम भी नेपाल के रास्ते काला पानी लिपुलेख लिपिया धुरा तक सड़क